मेरा घर ये सोना था, तू आया तो गूंज उठा, तेरी किलकारियों ने तो मेरा घर आबाद किया। इस घर में तो अंधेरा था, तू आया तो चमकने लगा, सबके चेहरे उदासे थे, तू आया तो खिल उठे, मेरा घर ये सोना था, तू आया तो गूंज उठा, तेरी आँखों की पुतली ने मेरे आंसू सोख लिए, नैन नहीं ये तारे हैं, सारा जग जग मगाने लगा, मेरा घर ये सोना था, तू आया तो गूंज उठा, तेरे होठों से फूल झरे कि मैंने गजरा बना ही लिया, नैनों से तेरे मोती झरे कि मैंने माला पिरो ही ली, मेरा घर ये सोना था, तू आया तो गूंज उठा, तेरी किलकारियों ने तो मेरा घर आबाद किया, छिह छिह कहे तो अच्छा लगे, मारे तो वो तोहफा बने, उदासी की बदली कटती न थी, काटे किसी भी तदबीर से, उदासी की बदली कटती न थी, काटे किसी भी हथियार से, तू को मल पर काटी है, उदासी की बदली तूने ही, मेरा घर ये सोना था, तू आया तो गूंज उठा, तेरी किलकारियों ने तो मेरा घर आबाद किया। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, चहकेगी खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे,
बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे कुछ और बंधेंगे हम तुम कुछ और बंधेंगे होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे पहले सेशन के सृजन के मेहमान रहे हैं। सृजन की गोल्डन जुबली यानी 50 पहले एपिसोड्स के पूरे होने पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई डिमांड। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो हमने आपको कई बार सुनाए, जबकि हमारी कोशिश होती है कि गानों की रिपीटिशन ना हो, लेकिन वो गाने हमारे सेलिब्रिटीज़ की इतनी हाई डिमांड पर थे और इतने खूबसूरत थे कि वो मैं गाने आपको बार बार सुनवाती। मैंने आपको वो गीत भी सुनवाए जो हमारे लिस्ट में कभी कभार आता या पहली बार आता, पर वो गाना इतना प्यारा होता कि मुझे लगता है कि मुझे आपको वो गाना जरूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी का कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे उन सभी अपने लिसनर्स दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर भी। दोस्तों, एक कवित्री आपके बीच और है जिससे मैं आपको सृजन में रूबरू नहीं करवा पाई हूँ। वो कौन है दोस्तों, नाम बताऊँ? वो मैं हूँ, आपकी अपनी माधुरी। और गंभीर साहब कहते हैं आप तो हर बार रूबरू होती हैं अपने दोस्तों से, पर दोस्तों मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछती रह जाती हूँ और कहानी तो हमारे सेलिब्रिटीज की ही तो आप सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, झलकियों के बहाने मैंने आपको अपनी काफी कहानी सुना दी है। अब ये बात मुझसे आप ही पूछ डालिए कि मेरी रचना धर्मिता की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई, मेरा प्रेरणा स्रोत कौन रहा, क्या कहा बताऊं? तो दोस्तों सुनिए, मुझे खुद भी याद नहीं, मेरी मम्मा मुझे बताया करती थी कि जब मैं बहुत 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 छोटी थी, लिखना भी नहीं जानती थी, तब मेरी दादी जी हमें कहानी सुनाया करती थी। एक दिन मैं बोली, दादी जी मैं आज आपको कहानी सुनाऊं। दादी के हाँ कहते ही मैं शुरू हो गई। एक बूढ़ी औरत थी, उनके दो बेटे थे, उनके एक पोता था और एक पोती थी। वो एक बार बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनको रोज अपने पोते को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था क्योंकि उसे कुत्ते ने काट लिया था। इतना सुनना था कि मेरी दादी जी खूब हंसी और बोली, अच्छा बेटा, मेरी कहानी ही मुझे सुनाई जा रही है क्योंकि उन दिनों मेरे बड़े भाई को कुत्ते ने काट लिया था। शायद यही मेरी पहली रचना थी, रचना धर्मिता की शुरुआत थी, कहानी जो कभी लिखी नहीं गई। और मैंने इस बात को ऐसे बोला जैसे कोई पता नहीं तूफान आ गया। जब मेरी दादी जी ने मेरी मम्मा को ये बात बताई, होगी मैं कल्पना कर रही हूँ कौन सा गीत उनके दिल में गुनगुनाया होगा। और मुझे याद आ रहा है हमारे स्पेशल लिसनर संदीप जी का पसंदीदा गीत, जूही की कली मेरी लाडली। जूही की कली मेरी लाडली, नाजो की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे तन्हे से परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। जूही की कली मेरी लाडली, नाजो की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे Thank you.
गुड़िया से ढली मेरी लाडली, मुही लागे भली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे अनायास ही पलके भीग आई, अखियां भर आई, माँ तेरी याद फिर आई, तेरा वो काला टीका लगा देना, लाल धागा कमर से देना बांध, ताकि लग न जाए तेरी प्यारी बेटी को नजर, तेरा वो लोबान जला घर भर में फिरना, ताकि लग न जाए तेरे घर को नजरें बुरी, माँ अब वो जमाना याद आता है, तब कीमत न समझ सकी थी इनकी, अनायास ही पलके भीग आई, अखियां भर आई, माँ तेरी याद फिर आई। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका, आप सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से, सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों याद है आपको मैंने एक बार बताया था कि कैसे मेरे पापा हमें कविता सुनाया करते हैं बचपन से अब तक, आपको भी तो याद आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपके माता पिता ने आपको प्यार किया है, आपका मार्गदर्शन किया है उन्होंने और अब भी करते हैं। आइए रूबरू होते हैं आज की अपनी सबसे पहली मेहमान से, जानी मानी कवित्री शायरा लेखिका लेखा चंदा संध्या से, जिन्होंने देश के झंडे गाड़े हैं विदेशों में भी। आइए करते हैं यादों को ताज़ा। रक्षा मंत्रालय में काम करती हूँ, सच में लिखने का समय बहुत कम मिल पाता है, उसके बावजूद भी एक अंदर से ऐसा लगता है कि जब भी समय कहीं भी बैठ के थोड़ा भी समय मिल जाता है मुझे, मैं लिख लेती हूँ मन की भावनाएं। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ समय निकालने की ज़रूरत है, जब भी मन में भावनाएं उठे तभी कलम और कागज लेके मैं लिख डालती हूँ, बाद में उसको तैयार करती हूँ। तो आपने ये पूछा कि मेरे पापा नाटककार थे, सच्ची ये सच बात है कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर मेरे पापा नाटककार थे, माँ सितारवादिका थी और मेरे बुआ बांग्ला की बहुत अच्छी राइटर थी। क्या बात, हम उनका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, वह जो राइटर थी उनका नाम था प्रतिमा रॉय जी, और बंगाल की थी वो, और मेरे पापा फणीन्द्र किशोर चंदा, उनका बहुत नाम था नाटक में, यहाँ तक कि फिल्म से भी उनको ऑफर आया था, कलकत्ता मंच पर वो नाटक करते थे। और मैंने माँ पर या मेरे बाबा पर कई कविताएं लिखी है, माँ मेरी प्रेरणा थी और पापा बाबा, हम लोग बाबा कहते हैं बंगला में, बाबा मेरे पथ प्रदर्शक थे, क्योंकि किसी भी कविता को मंच पर किस तरह से पाठ करना है, किस तरह से लोग कविता सुन के बाई बाई करे, उसके लिए बाबा मुझे हमेशा सिखाते थे कि इस लाइन को इस तरह से कहना है तुम्हें, या मतलब क्योंकि वो एक्टर थे, तो एक समय ऐसा था कि जब मैं भी स्टेज पर एक्टिंग करती थी, तो जो भी हो ये जो सिखाना कविता को किस तरह से बोलना है, लोगों से किस तरह से बाई बाई लेनी है, तो पापा से मैं सीखा करती थी। माँ पर कई कविताएं मैंने लिखी हैं, ये जो कविता है ये मुझे बहुत पसंद है, माँ और जन्मभूमि। लाल किनारे वाली सफेद साड़ी और काले सफेद बालों के बीच लाल चौड़ी मांग में एक मुलायम तितली जैसी बेंच पर सोई रहती थी माँ। मकड़ी के जाल जैसा परत दर परत लाइनों वाला कपूर, दिनचर्या एक व्यर्थ नारी जीवन का। माँ ने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, जीवन भर दूसरों की खुशी के लिए जीती रही, कभी मुखिया बनने की कोशिश नहीं की, बाबा बुआ और बड़े भैया के इच्छाधीन परिवार राज में एक अत्यंत
नेक प्रजा बनकर रही। उसकी कोई इच्छा भी कभी पूरी नहीं हुई, इसलिए समय के साथ साथ उसकी इच्छा भी मर गई थी। आधी रात को अचानक बारिश आ गई तो माँ हर कमरे की खिड़की बंद करती थी घूम घूम कर। निद्रा मग्न हम सभी के शरीर पर हल्का कंबल डाल देती थी। तभी तो बरसात के मौसम में सिरहाने की खिड़की खोलकर सौंधी हवा की मस्ती में हम सो जाते थे। इसके बदले माँ को हम कुछ दे नहीं सके, ना कोई निर्भरता ना कोई निश्चयता। लाइनों वाला माँ के कपोल पर उस यंत्रणा का भाव स्पष्ट दिखता था। घर था, बिस्तर था, सोफा था, पर माँ का नहीं। माँ का इस तरह बेंच पर सोना क्या अनिश्चयता का प्रतीक था? माँ ने हमें अंकुर से वृक्ष बनाया। हम माँ की पैरों के नीचे की मिट्टी को हटाकर हमारी जमीन को भर रहे थे, अपने ही गर्भ के संतानों के लेखा जी, आशीर्वाद। आप इन सारी बातों को सुनकर जैसे आप अपनी मम्मी और डैडी के बारे में हमारी कह रहे हैं, आपको पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है और आप, मैं अपने श्रोताओं से अपने दोस्तों से शेयर करना चाहूंगी। एक बट्टा दो, दो बटे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है नहीं बटेगा, ओ, 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 मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी। बट्टा दो, दो बट्टे चार, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है नहीं बटेगा, ओ, 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 मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। एक बट्टा मानोरचना 107.8 FM, आप है माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से। सृजन नहीं, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जब मेरा अस्तित्व यानी माधुरी का अस्तित्व इस जहान में कहीं नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे पापा खुद 12 साल के थे बच्चे थे। और जब चाचा जी का जन्म हुआ, मेरे दादाजी को टेलीग्राम किया गया, क्योंकि उन दिनों फ़ोन तो था नहीं। दादाजी पुलिस में थे, छुट्टी लेकर वो घर के लिए चल पड़े अपने गांव आने के लिए। छुट्टी लेने के बाद उन्हें कहा गया एक चोर को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। वो उस चोर को लेकर जा रहे थे कि बारिश आ गई। बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ, उस पेड़ पर बिजली गिरी दोस्तों, और चोर सिपाही साथ ही स्वाहा हो गए। दोस्तों, जब बारिश होती है तो बिजली जब गिरती है तो पेड़ उसे अपनी तरफ खींचकर हमारी ऐसे भी रक्षा करते हैं, लेकिन अगर हम पेड़ के नीचे ही खड़े हो जाएं तो। आइए सुनते हैं आज की हमारी अगली मेहमान को, वो कैसे याद कर रही हैं अपनी बुआ, अपने पापा और दादाजी को। रूबरू होते हैं जानी मानी कवित्री मीनाक्षी जीजी विशा से, सुनते हैं झलकियां। मुझे लगता है लेखन मुझे विरासत में मिला है। जी जी, मेरी बुआ जी बहुत अच्छे भजन लिखती थी। मेरे पिताजी को उर्दू शायरी का बहुत शौक है
और मैं अपने पिता से बहुत अटैच रही हूँ, बहुत लाडली रही हूँ उनकी। हर जगह मैं उनके साथ जाती थी और वो मुशायरे सुनने जाते थे। वो समय होता था जब मुशायरे सुने जाते थे, वो मुझे साथ ले जाते थे। और उनकी एक आदत थी कि वो सुनते सुनते नोट करते थे जो पंक्तियां पसंद आती थी शेर उन्हें। और कभी कभी वो मुझसे कहते थे जब मैं बड़ी हुई, तुम लिखो। अच्छा। और वो मुशायरे सुनते सुनते लिखते लिखते मुझे भी शेरो शायरी और इसकी तरफ, मेरा साहित्य की तरफ प्रेरणा के स्रोत आपके पिताजी रहे। हाँ, और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ही नहीं, मेरे पिताजी के जीन्स में भी है साहित्य, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो गुरुद्वारे में बहुत अच्छा ढोलक बजाते थे और शब्द गाते थे, वो खुद अपने भजन लिखते थे पंजाबी में। क्या बात है। तो ये चीज मुझे विरासत में मिली है और मैंने बचपन से ही होश संभालते ही लिखना शुरू कर दिया था। मैंने पहली कविता अपनी लगभग 13 वर्ष की आयु में लिखी थी। आपको याद है? हाँ, उसका शीर्षक था चेहरे। सुना सकते हैं क्या? जो खिले तो गुलाब हैं चेहरे, जो चमके तो आफताब हैं चेहरे। क्या बात है। जो ना देखो तो कुछ भी नहीं, गर गौर कीजिए तो खुली किताब हैं चेहरे। क्या बात। मेरी पहली कविता पंजाब केसरी में छपी थी जिससे मेरा मनोबल बढ़ा और मुझे लिखने के लिए प्रोत्साहन मिला, प्रेरणा मिली कि मैं और निरंतर लिखूं। बहुत खूब। और मीनाक्षी जी, आपकी इन बातों को जो अपने घर के बारे में आप बता रहे हैं, अपने पिता के बारे में आप बता रहे हैं, आपका वो पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, ये तेरा घर ये मेरा घर। ये घर बहुत हसीन है, ये मेरे बहुत दिल के करीब है। बहुत। और मैं जब भी अपने घर में बैठी होती हूँ तो अक्सर ये गीत गुनगुनाती हूँ। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। रेडियो मानोरचना 107.8 FM, आप है माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से, सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, माँ कहते हैं धरती पर भगवान के रूप को, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, सो भगवान ने हमारे लिए माँ बनाई। और माँ जैसी होती है मासी, यानी माँ की बहन, और माँ के भाई को मामा कहते हैं। ओहो, मैं भी कैसे बुद्धू हूँ, आपको तो ऐसे बता रही हूँ जैसे आप जानते ही नहीं ये बात, लेकिन सच तो ये है दोस्तों, ये नाना ये मामा मासी बड़े प्यारे होते हैं रिश्ते, ये जहाँ डांट लगने का तो बिल्कुल डर नहीं होता। आइए याद करते हैं अपने मामा नाना नानी मासी सबको। और आज की अपनी अगली मेहमान कश्मीर से आई जानी मानी कवित्री आशमा कौल के साथ, और करते हैं यादों को। मेरे को जितना ध्यान में आता है, क्षितिज करके मैंने एक कविता लिखी थी कि दूर दूर बहुत दूर जिंदगी के छोर पर पर्वतों की ओट में आखिरी मोड़ पर मिल रहे दो दिल। क्या बात है। सबसे अनभिज्ञ शोर से बहुत दूर शांति के बहुत निकट। क्या बात है। नहीं देखे हैं किसी ने सबसे डरे डरे और हैं छिपे छिपे। कौन है ये दो दिल कह रहे हैं गले मिल। क्या बात। दूर धरा और गगन हो रहे हैं मस्त मगन। क्या बात। देखो
कैसी है ये अगन, बुझ रही है प्यास देखो, दूर मिलकर एक क्षितिज। बहुत, क्योंकि आकाश को देखती रहती थी और चांद सितारे मुझे बड़े लुभाते थे, तो शायद मेरी पहली प्रतिक्रिया आकाश क्षितिज पर रही हो, ऐसा ही मेरे को लगता है। क्या बात है, क्या बात। और फिर उसी दौरान जब मैं कुछ सुनाती थी, बोलती थी, तो जो मेरी मदर थी, मेरी मम्मी, उनको हिंदी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जबकि कश्मीर में हिंदी इतनी नहीं बोली जाती है, लेकिन उनको हिंदी से बहुत लगाव था। क्या बात है। तो उन्होंने जब मेरे से एक दो बार सुना, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कहाँ से तुम पढ़ के आई हो। अच्छा। तब मैंने माधुरी उनको ये बोला कि ये तो मैंने खुद ही सोचा और खुद ही गुनगुना रही हूँ। क्या बात। तो वो जो मोमेंट था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा कि इन सब को, जो भी आप सोचती हो, इन सब को एक डायरी में नोट करो। क्या बात। और वही जो है कलेक्शन बाद में मेरी जो है बुक फॉर्म में आई, और जिसमें मुझे दोनों अकादमियों का सहयोग भी मिला, हिंदी अकादमी दिल्ली का और हरियाणा अकादमी का सहयोग मिला, और तभी वो पन्नों से मुक्त होकर बाहर भी आई। तो शायद वो मेरी माँ ही थी जिसने, जो मेरी प्रेरणा स्रोत रही, जिन्होंने मुझे ये बताया कि इस चीज को मैं कहीं पे उतारती जाऊँ, नहीं तो शायद वो गुम गई होती चीज और मैं भूल गई होती। तो इस तरह से बचपन से ही ये शुरुआत हुई, और शायद कहीं अंदर मेरे था, क्योंकि मेरे मामा जी भी लिखा करते थे। ओके। तो शायद हो सकता है वो हमारे खून में कहीं रचा बसा, वो कला रही थोड़ी बहुत आ गई हो मेरे अंदर भी। इस तरह से शुरू से ही, फिर स्कूल कॉलेज में भी कई प्रतियोगिताओं में मैंने पार्टिसिपेट किया और कई इनाम भी जीते। जी जी जी। लेकिन फिर वही जो मैंने आपको बताया कि एक लंबा अंतराल भी आया बीच में, क्योंकि शादी के बाद घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को देखना शायद, और क्योंकि साथ में मैं जॉब में भी हूँ, तो कई सारी प्रायोरिटीज थी जिसकी वजह से शायद ये पीछे हो गया था। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मैं वापस इस माहौल में, शुक्र है खुदा का कि आपकी जिंदगी से कविता बेदखल नहीं हुई, हमारा सौभाग्य है। कविता तो निकल ही नहीं सकती। आशमा जी, ये जो आपने ये कहा कि आपकी माँ ने और आपके मामा की वजह से शायद खून में रचा बसा हो, और माँ ने आपको एक गाइडेंस दिया, आपको एक रास्ता दिखाया कि आप उसको उतारें, तो जैसे माता पिता तो अपने बच्चों के लिए करते ही हैं, और मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, मैं श्रोताओं से शेयर करना चाहूँगी। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों कहते हैं कि बच्चे के बहाने माँ खाती है, एक लोकोक्ति है ये जब वो माँ बनने वाली होती है। लेकिन सच है माता पिता तो सारी उम्र बच्चे के नाम पर जीते हैं, मरते हैं, बच्चों की आंखों से अपने ख्वाब बुना करते हैं, जाने कैसे और क्यों कर। फिर कुछ लोग अलग होने से पहले एक बार भी बच्चों के बारे में नहीं सोचते। ओहो देखिए ना मैं भी क्या बात ले बैठी। आइए सुनते हैं हमारी आपकी अगली मेहमान से कि कैसे उनकी माँ ने उनकी आंखों से अपने सपने पूरे किए। कितना प्यार करते हैं ना मम्मा और पापा। और एक बात तो आपसे बोलना ही भूल गई कि हमारी जो अगली मेहमान है नीना बरनवाल प्रसाद, हमारी वो सेलिब्रिटी हैं जो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आई सृजन में। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो राइटर नहीं सिंगर हैं। आइए सुनते हैं इनकी खूबसूरत आवाज और करते हैं यादों को ताजा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आई हैं सृजन में, नीना बरनवाल प्रसाद। नीना जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी। नीना जी आपने अपनी इतनी खूबसूरत आवाज में इतना खूबसूरत भजन हमारे दोस्तों को सुनाया और फिर आपका पसंदीदा गीत भी हमने आपके मुंह से एक लाइन सुनी और पूरा गाना भी सुनाया दोस्तों को, तो सबसे पहले मेरे मन में यही बात आ रही है कि आपके जो गायन की शुरुआत है ये कहाँ से कब कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। जरूर। गायन की शुरुआत देखिए बचपन में शुरू हुई थी जब मैं 3rd क्लास में थी। जी जी। और उस समय शायद हमारे ज़माने में बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे क्या पसंद है या मैं क्या करना चाहती हूँ। तो ये मेरी माता जी का ही शौक था जो वो नहीं, नीना एक बात मेरे ऐसा कौन सा जमाना आपका था, आप तो बहुत यंग हैं क्योंकि अब मेरे तो बच्चे हो गए उनको सिखाती हूँ, तो अब मुझे लगता है कि वो मेरा एक बचपन था और अब ये एक बचपन है। तो आप बचपन की अपनी बात। हाँ बचपन। तो मेरी माता जी को शायद शौक था गाने का बट वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाई होंगी, उस समय शायद उतने साधन नहीं थे या पेरेंट्स को उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने मेरे थ्रू मुझे म्यूजिक शुरू करवा के और वो भी साथ में आपकी मम्मा मतलब गाना, हाँ, मेरी मम्मा उनको शौक, हाँ, उनको शौक था तो उन्होंने मुझे शुरू करवाया। और आपकी माँ को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी सिंगर हमें दी है। हाँ सच में वो एक तरह से मेरी प्रेरणा ही हुई। वो भी साथ में जब हमारा हो जाता था गाना तो उसके बाद वो भी बैठती थी और वो भी अपने भजन या जो भी वो सीखना चाहती थी वो भी गाती थी। क्या बात। तो उन्होंने अपना शौक उस समय पूरा किया और मैं भी अब अपने बच्चों के थ्रू मैं बाद में बताऊंगी मैं भी अपना शौक अभी जो बचा है वो पूरा कर रही हूँ। आप अभी बताइए। यही है कि बचपन में उन्होंने मुझे डाला म्यूजिक में और मेरी वो भी प्रोफेशनल सिंगर थी या ऐसे ही अपने शौक से गा रहे थे। नहीं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं थी बट उनका कभी रहा होगा कि मैं गाना चाहती हूँ। अभी भी मेरी उनसे ये बात कभी हुई नहीं है आमने सामने, लेकिन अब अगली बार मैं अब जरूर मैं पूछूंगी कि हाँ कि आपने प्रोफेशनली क्यों नहीं गाया। अब मैं गुजारिश करूंगी नीना जी आप जो अपने मम्मा की बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा है भजन भी आपकी मम्मा गाती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा गीत सुना दीजिए अपनी खूबसूरत आवाज में जो आपकी मम्मा को भी बहुत पसंद हो और आपको भी बहुत पसंद हो। ये एक गजल है एक्चुअली। जी जी स्वागत है आपका। ये मैंने बचपन से मैं यही गागा के बड़ी हुई हूँ। अच्छा। मेरी भाभी कहती है कि कहीं भी सुनाने बोलते तो ये यही वाला गजल सुनाती थी। दोस्तों देखिए हमने अमूमन ये सुना हुआ कि मैं यही खा खा के बड़ी हुई हूँ, ये सिंगर के अल्फाज है, मैं यही गा गा के बड़ी हुई हूँ। नीना जी बधाई हो आपको इस बात के लिए। तो ये एक तरह से मेरी भाभी है जो बड़ी उनको भी ये जाता है। ओके। तो वो भी बहुत अच्छी सिंगर है। हाँ वो भी बहुत अच्छी सिंगर है। क्या बात, पूरा परिवार ही आपका। सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे,
की तरह बेहिसों बेजान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेहिसों बेजान सा क्यों है, सीने में जलन तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, ताहद ये नजर एक बयाबान सा क्यों है, ताहद ये नजर एक बयाबान सा क्यों है, सीने में जलन क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आई ना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आई ना हमें देख के हैरान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। नीना जी, आपने जो ये गजल गाई है अपनी खूबसूरत आवाज में, इसको सुनकर आपका एक और पसंदीदा गजल मुझे याद आ रही है, आपसे गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिए। नीना जी, आपने जो अपनी खूबसूरत आवाज में ये गजल हमें सुनाई, इसको सुनकर आपकी एक और पसंदीदा गजल मुझे याद आ रही है, गुजारिश करूंगी आप हमारे दोस्तों को लेकर गुनगुना दीजिए एक थोड़ा सा। ठीक है, ये साथ साथ फिल्म का गाना है। ओके। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, 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 जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, मानोरचना 107.8 FM, आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से, सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, बहुत से रिश्ते छोड़ जाते हैं अकेले इस जीवन के सफर में, पर उनकी यादें हमारी नसों में खून बनकर दौड़ रही हैं, भुलाना तो नामुमकिन ही है ना किसी को भी। हमारी आज की खास मेहमान क्या कहती हैं, उनके लेखक पिता ने अपने कलम की स्याही उनकी कलम में डाल दी। आइए मिलते हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकारा कमल कपूर जी से, जो हमारे आपके शो सृजन की रेगुलर लिसनर भी हैं और उनका मुझे बहुत सपोर्ट भी है, बहुत प्यार देती हैं जब भी मिलती हैं। आइए रूबरू होते हैं कमल जी से और सुनते हैं झलकियाँ। देखो माधुरी जी,
एग्जैक्ट लेखन की शुरुआत कब हुई इतना तो मुझे याद नहीं, पर जब से मैंने होश संभाला मतलब बचपन से मेरे हाथ में कलम आ गई। जी जी जी। मेरे पिता पंजाबी के जाने माने लेखक थे, वो पंजाबी में लिखते थे। उनका नाम हम आपसे जानना चाहेंगे। श्री ओम प्रकाश साहनी दिवंगत हैं, बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए वो। जी जी जी। पर यह है कि उन्होंने अपनी कलम की स्याही मेरी कलम में डाल दी अपनी रुखसती से पहले। और छोटी थी तो जोड़ तोड़ करके दो चार पंक्तियां लिखती थी और पापा के पास लेके जाती थी। तो पापा कहते थे मैं तो बेटा पंजाबी जानता हूँ, मैं तो ज्यादा जानता नहीं, अपनी दीदी के पास लेके जा। मेरी दीदी थी 6 साल बड़ी मुझसे, वो भी लिखती थी। जी जी जी। तो उनके पास लेके जाती थी, वो भी 6 साल मेरे से बड़ी, कितनी बड़ी होंगी, मैंने 4 साल के उम्र से लिखना शुरू किया तो वो 10 साल की थी। पर इतनी योग्यता उनमें थी कि वो मेरी पंक्तियों को करेक्ट कर देती थी। तभी साथ साथ में मंच भी मिलने शुरू हो गए स्कूल में, छोटी छोटी महफिलों में, तो प्रोत्साहन मिलता चला गया। पर वो बच्चों का खेल ही था, जैसे कंचे गुड़िया होती है ना, वो बच्चों का खेल ही था। और लेखन तो काफी बड़ी उम्र में जाके, शादी के भी बहुत बाद, जिसको विधिवत लेखन कहते हैं कि मानक लेखन या पत्र पत्रिकाओं में छपना, वह तो 4th दशक के बाद जिंदगी के शुरू किया। कमल जी, आपकी इन सारी बातों को सुन के, जैसे आपने अपनी बहन और अपने पिता के बारे में बताया और ये बताया कि बहुत कम उम्र में चले गए और अपनी चाही आपके कलम में डाल गए, तो मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, जीवन चलने का नाम चलते रहो, चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM। आप है माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से, सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी की झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जूही सिकली मेरी लाडली, नाना नानी की दुलारी, माँ की प्यारी, बचपने से निकल कब तरुणाई में पहुँच साजन के सपनों में खो जाती है, ना तो नाजो से पली लाडली समझ पाती है और ना घर के लोग। और मैं ही सब बताऊँ, आइए ना मिलते हैं जानी मानी शायरा नमिता राकेश से और करते हैं यादों को ताज़ा। मैं बताऊं कि लिखना तो मैंने स्कूल टाइम से शुरू कर दिया था। जी, जी, जी। अपने स्कूल की मैगजीन में मेरी छोटी छोटी कविताएं छपती थीं और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया क्योंकि तो लिखना मेरे खून में था। मेरी जो मम्मी थी वो भी बहुत अच्छा लिखती थी, मेरे नाना बहुत अच्छा लिखते थे उर्दू फारसी में, तो खून में था। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैं बड़ी होकर कवित्री बनूंगी, तो उस समय स्कूल के दौरान जो मैंने लिखा उसे रिकॉर्ड करके रखती। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो उस समय जो कॉलेज मैगजीन थी उसकी मैं संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी तीनों सेक्शन की एडिटर थी। जी, जी, और उस समय जो वास्तव में लिखना जिसे कहा जाए एक मैच्योर लेखन तब शुरू हुआ हो चुका था। और उस समय मेरी जो 4-4 पंक्तियां मैं उस समय लिखती थी तो उसमें एक मुझे याद आ रहा है जी, जी, कि टीस को मैंने तरंगित कर लिया,
मन पटल पर प्रेम अंकित कर लिया, बहुत खूब। तुमने तो कुछ भी नहीं देखा सुना, क्यों व्यर्थ मन शंकित कर लिया। क्या बात है, क्या बात। और उस दौरान मैंने कविता और लिखी थी जी, जी, स्वागत जो काफी सराही गई बाद में जब वो प्रकाशित हुई, प्रसारित हुई। उसका जो शीर्षक था वो था हस्ताक्षर। नमिता जी, अब आपकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, श्रोताओं में आपको बता दूं, और बहुत सारे संकलन आपके आए हैं और आपकी एकल पुस्तकें भी बहुत सारी हैं। नमिता जी, आपकी जो पहली पुस्तक ही आई थी जिसका आपने नाम दिया था तुम ही कोई नाम दो जी, इस पर भी बड़ी चर्चा रही थी हमारे साहित्य समाज में कि आपने जो अपनी पुस्तक निकाली उसका भी आपने खुद नाम नहीं दिया, बल्कि हमसे ही पाठकों से ही पूछ लिया कि आप ही लोग कोई नाम दे दो। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि आपके शुरुआती दौर जब आपने लिखना शुरू किया था कॉलेज वगैरह में थे, आपकी कोई बहुत प्रसिद्ध रचना आपने इसमें दी है, तो मैं आपसे, और इस पुस्तक पर मैं अपने दोस्तों आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से शोध भी हुआ है जी, संजय अधाना एक हैं, उन्होंने शोध किया इसके ऊपर। नमिता जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी अपनी वो रचना हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आए। जरूर, मैं आपको सुनाना भी चाहूंगी जी। जी, स्वागत। ये इस कविता का शीर्षक है तुम्हारे हस्ताक्षर। क्या बात, सुनिएगा जी। जी, स्वागत है। मेरी किताब पर कई लोगों ने हस्ताक्षर करना चाहा, पर उनकी स्याही कुछ ही देर में सूख गई। क्या बात, शायद मैंने ही सुखा दी। क्या बात है, तुम हंस रही हो माधुरी। मेरी किताब पर कई लोगों ने हस्ताक्षर करना चाहा, पर उनकी स्याही कुछ ही देर में सूख गई, शायद मैंने ही सुखा दी। क्या बात है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे हस्ताक्षर की स्याही इतनी गहरी है, इतनी पक्की है कि जब जब मैंने इसे मिटाने की कोशिश की उतनी ही यह गहराती गई। क्या बात है, लगता है जैसे धीरे धीरे यह पूरे कागज पर फैल जाएगी, छा जाएगी। पता नहीं तुम्हारे हस्ताक्षर में ही कुछ नया है या ये मेरे कागज का ही कसूर है। क्या बात है, खैर जो भी हो, इसका संतोष है मुझे और खुशी भी है कि तुमने मेरी किताब पढ़कर समझने के बाद ही हस्ताक्षर किए हैं, पहले नहीं। और मैंने भी तुम्हारे हस्ताक्षर की बनावट से, अक्षरों की सादगी, स्पष्टता, निश्चलता और लगन से तुम्हारी किताब पढ़ ली है, समझ ली है। शायद इसीलिए तुम्हारे हस्ताक्षर मेरी किताब से जुड़ गए हैं, गहरे हैं, अमिट हो गए हैं, वरना दूसरे हस्ताक्षरों की तरह ये भी सूख गए होते, बिखर जाते, मिट गए होते। क्या बात है, क्या बात है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तुम सताती। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से, सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, सलीम भाई ऑटो वाला कहते हैं, आपका शो सुना बहुत अच्छा लगा, शो सुनकर बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं।
यादों की बारात निकली है दिल के द्वारे, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संधमारे। संदीप कहते हैं नमस्कार जी, आगे अपनी पसंद के गानों की फरमाइश भी करते हैं। तो दोस्त, हमने सुनवाना शुरू कर दिया है अपने स्पेशल लिसनर्स की पसंद के गानों को। आगे कहते हैं आई एम फैन ऑफ योर शो, मेरे सॉन्ग हो या ना हो, मेरा नाम हो या ना हो, मुझे सृजन पसंद है तो पसंद है। नरेंद्र कहते हैं स्वागत है सृजन का। कहते हैं अल्फाज कम पड़ते हैं सृजन की तारीफ के लिए, जो लेके आता है दिल का सुकून हम सब के लिए। नरेंद्र जी, आपने हमारी आदत खराब कर दी है, हर बार आपसे कुछ नया और अनोखा जो मिलता है हमें। और आगे कहते हैं थैंक्स फॉर वेरी गुड प्रेजेंटेशन, आपने क्या समा बांधा है, मज़ा आ गया। आगे कहते हैं राणा साहब का कलाम बेहतरीन है। तो दोस्त, राणा साहब ने आपको जवाब दिया है, आपका शुक्रिया। नरेंद्र जी इस पर कहते हैं दुनिया में इंसानों को तोड़ने वाले ज़्यादा और जोड़ने वाले कम हैं, शायद खुदा को भी इसी बात का गम है। मुझे भी तोड़ने वालों ने जीते जी मार डाला है, पर जोड़ने वालों ने फिर से जिंदा कर डाला है। सृजन के बहाने राणा जी से आपने पहचान करा दी, इस बात ने आपके लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ा दी है, गुड लक टू यू। शुक्रिया नरेंद्र जी। चुनमुन जो BCA के स्टूडेंट हैं, गोरखपुर से हैं, हमारे नए लिसनर हैं, कहते हैं शो उन्होंने सुना, अच्छा लगता है दोस्त जब यंगिस्तान भी सृजन सुनता है, कीप इट अप। और दोस्तों, वो ऑटो वाला कोई दारू वाला या गांजा वाला की तरह सलीम भाई का सरनेम नहीं है, बल्कि वो सच में ऑटो ड्राइवर है। बहुत खुश हूँ दोस्तों कि सृजन के माध्यम से साहित्य हर वर्ग में पहुँच रहा है, जबकि मैं सोचा करती थी कि इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यकार सुनेंगे या साहित्य पसंद करने वाले। सलीम भाई, आपको मेरा सलाम, आशा करती हूँ आगे भी आप शो सुनेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है सृजन, आपका अपना शो। क्या आप लोगों की भी यादें ताज़ा हो जाती हैं सृजन सुनकर, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन सुनकर, रेडियो मानोरचना सुनकर? आप मुझे बता सकते हैं। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर SMS करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानोरचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ। बदलेना अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ओ बदलेना अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ हो के हमारे, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे।